वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो ऑफ सिक्किम सीरीज। इस वीडियो में हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम गैंगटक टू पेलिंग इन वेस्ट सिक्किम वाया रवांगला। रास्ते में हम देखेंगे नामची चारधाम, द मेस्मराइजिंग बुद्धा पार्क ऑफ रवांगला एंड द रिलैक्सिंग टेमिटी टी गार्डन। इट इज अ फुल डे जर्नी जिसमें हम कवर करेंगे अराउंड 120 किलोमीटर्स। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। गैंगटॉक से पेलिंग तक का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और गैंगटॉक से निकलते ही आप शहर की भीड़ से दूर पहाड़ों के बीच आ जाते हैं। हमारे ट्रिप का पहला स्टॉप है नामची चारधाम। गैंगटॉक से यहां पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ की एंट्री फी 50 रुपीज पर पर्सन है। चारधाम कॉम्प्लेक्स सोलोफोक हिल की चोटी पर बसा है और 29 हेक्टेयर्स के बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो आज हम लोग गैंगटॉक से पेलिंग जाएंगे और रास्ते में रवांगला होते हुए जाएंगे। तो आज की ट्रिप का पहला स्टॉप है ये चारधाम। इंडिया के चार मेन धाम हैं, उनको एक साथ यहाँ पे बनाया गया है। ये है बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में है, उसका रेप्लिका। ये है उड़ीसा के पुरी में बसा लॉर्ड जगन्नाथ का पुरी टेंपल और ये है रामेश्वरम का शिव टेंपल। और ये है द्वारका गुजरात में बसा द्वारकाधीश मंदिर। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को काफी यूनिक ढंग से बनाया गया है। यहाँ चारधाम मंदिर में हमारे देश के जो चार प्रमुख धाम हैं उनके मंदिर हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे मंदिर भी हैं। काफ़ी अच्छी जगह आने के लिए, बट अभी ये बादलों से ढका हुआ है। तो बड़ा ग्लूमी सा लुक आ रहा है, बट अच्छी जगह है। क्लियर वेदर में नामची चारधाम ऐसा दिखता है। So if you are traveling to Sikkim during October season, do visit this place. और अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊं। नामची चारधाम घूमने के बाद हम सफर पर फिर निकल पड़े। यहाँ मौसम पल पल में बदलता था, पर यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है कि हर मौसम में ये अलग दिखता है और मैं इस खूबसूरती को निहारने में जैसे खो सा गया था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टेमी टी गार्डन। ये आपके गैंगटॉक से पेलिंग के रास्ते में पड़ता है रवांगला के पास। और देखिए कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, जस्ट लुक एट द व्यू। टेमी टी गार्डन इज द ओनली टी गार्डन इन सिक्किम एंड आई मस्ट से इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक टी गार्डन आई हैड एवर सीन। तो हम लोग गैंगटॉक से पेलिंग के बीच में ये टेमिटी टी गार्डन आए हैं
और देखिए कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ का, जस्ट लुक एट इट, बहुत सुंदर है। पीछे वो देखिए रिवर बह रही है, द फुल द एंटायर हिल इज कवर्ड बाय द टी प्लांट्स। टेमी टी गार्डन घूमने के बाद हम निकल पड़े अपने दिन के लास्ट स्पॉट की तरफ, रावंगला। रावंगला काफ़ी ऊंचाई पर है तो रास्ते बादलों से ढके थे और बीच बीच में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता काफ़ी सकरा हो गया था। रावंगला पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और हल्की ठंड पड़ने लगी और रास्ते और भी सुंदर हो। रावंगला में हमारा स्वागत किया जोरदार बारिश ने। यहाँ की एंट्री फी 50 रुपीज पर पर्सन है। रावंगला का बुद्धा पार्क फेमस है अपने जाइंट बुद्धा स्टैचू के लिए। इस पार्क को 2006 में बनवाया गया था टू कमोमरेट 2550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा। पार्क काफी बड़े एरिया में फैला है और बेहद ही खूबसूरत है। तो अभी मैं हूँ रावंगला के बुद्धा पार्क में और ये है यहाँ का बुद्धा स्टैचू। बुद्धा पार्क में और मेरे पीछे है यहाँ का बुद्धा स्टैचू। बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, पूरा पार्क जिसको चलने में परेशानी होती है, बेस्ट चीज़ है उनके लिए कि आपको गेट से इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगी। रावंगला से पेलिंग पहुंचने में रात हो गई और नेक्स्ट डे हम पेलिंग में घूमे, बट दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।